बट ऐसी मूवीज रोज रोज नहीं आती, इतनी रियलिस्टिक फिल्में रोज रोज नहीं आती. सो फाइनली आई मैनेज टूडे टू रिव्यू द फिल्म. हाई दिस इज इंद्रजीत, वेलकम यू टू द लास्ट रिव्यू. दोस्तों बाटला हाउस वैसे तो मैं कल 15 अगस्त के दिन देख चुका था, लेकिन रक्षाबंधन के कारण और कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे क्रिएट हो गए कि मैं कल फिल्म को रिव्यू नहीं कर पाया. फिर सोचा जाने देते हैं, फिल्म को रिव्यू नहीं करते इस बार. लेकिन आज मेरे ध्यान में आया मुझे कि ऐसी फिल्में रोज रोज नहीं आती, इतनी रियलिस्टिक स्टोरीज रोज रोज नहीं आती, तो मुझे करना चाहिए रिव्यू. आई एम सॉरी अबाउट लेट रिव्यूज. स्टार्ट करते हैं बाटला हाउस से. दोस्तों बाटला हाउस आपको अच्छे से याद होगा 2008 में जो दिल्ली में एनकाउंटर हुआ था उस पर बेस्ड है. और इस एनकाउंटर के बाद काफी कुछ हुआ था देश के अंदर, बहुत क्रिटिसाइज किया गया था दिल्ली पुलिस को, मीडिया ने बहुत ड्रामा क्रिएट किया था, पॉलिटिकल पार्टीज ने साइड ले ली थी दिल्ली पुलिस से. तो एक एनकाउंटर करने के बाद एक जो टीम होती है उस पर क्या गुजरती है, और जो एनकाउंटर करने वाली जो लीडर होते हैं टीम के उन पर क्या कुछ गुजरता है, वो किस किस दौर से गुजरती है, ये सब इस फिल्म में डायरेक्टर निखिल आडवाणी ने बाखूबी दिखाया है. तो संजय कुमार जो लीड करते हैं, एसीपी जिनका रोल जॉन अब्राहम ने प्ले किया फिल्म के अंदर, उनको क्या क्या सहना पड़ा, कितना क्रिटिसाइज उनको किया गया, उनके डिपार्टमेंट के द्वारा, पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा, मीडिया के द्वारा, जनता के द्वारा, उनको ये तक बोला गया कि फर्जी एनकाउंटर था, बेकसूर लोगों को मार दिया गया अपना पक्ष बड़ा करने के लिए, कि हमने जो सीरियल ब्लास्ट हुए थे उनके बदले में हमने जो इंडियन मुजाहिदीन के कुछ लोगों को पकड़कर मार दिया है, जिसमें हमारे एक पुलिस ऑफिसर की जान भी गई थी. तो किस तरह से लोगों ने इस एनकाउंटर को लिया, ये सब पक्ष दिखाया गया कि लोगों ने क्या सोचा, और जो एसीपी थे संजीव कुमार रियल में, उन्होंने क्या क्या देखा और क्या किस तरह से अपने आप को बचाया उन्होंने. स्क्रीन प्ले की बात करूं तो निखिल आडवाणी ने देश का स्क्रीन प्ले, इतना बढ़िया स्क्रीन प्ले है फिल्म का. फ्रॉम द वेरी फर्स्ट सीन एनकाउंटर शुरू हो जाता है, एनकाउंटर पहले ही सीन में दिखा दिया जाता है, लेकिन क्लाइमैक्स तक एनकाउंटर ही चलता रहता है. और जो डिफेंस लेवल होते हैं, राजेश शर्मा ने जो रोल प्ले किया है एंटेगनिस्ट का, वो एक अपना मनगढ़ंत बना लेते हैं एनकाउंटर की. इस तरह से खुद पुलिस वालों ने ही अपने ऑफिसर को गोली मार के मार दिया और बेकसूर लोगों को मार दिया. फिर एक पर्सपेक्टिव, एक व्यू दिखाते हैं जो राजेश कुमार थे जिन्होंने ये लीड किया था, एसीपी राजेश कुमार जो कि जॉन अब्राहम है फिल्म के अंदर, कि रियल में ये कैसे घटित हुआ. तो स्क्रीन प्ले इतना घुमावदार है और इतना एंगेजिंग है कि आपको कंफ्यूज तो बिल्कुल नहीं करता, बट कुछ एक चीजें छोटी रह गई स्क्रीन प्ले में जो मुझे पर्सनली लगा. जैसे कि एक टेररिस्ट जब वो एनकाउंटर होता है उनके हाथ में आ जाता है, लेकिन उनको अपने आप को बचाने के लिए, अपने आप को निर्दोष साबित करने के लिए एक ऐसा टेररिस्ट वो ढूंढ रहे होते हैं, शहजाद शायद नाम है फिल्म में उनका, कि अगर वो मिल जाएगा तो मैं बेकसूर साबित हो जाऊंगा. लेकिन उनके पास ऑलरेडी एक टेररिस्ट उनके हाथ में आ जाता है जिससे वो किसी तरह से बयान लेकर अपने आप को बचा सकते थे. ऐसी कुछ चीजें हैं जो अनआंसर्ड रह गई फिल्म में और मुझे कहीं ना कहीं थोड़ा सा लगा. लेकिन क्लाइमैक्स सीन बहुत बढ़िया है फिल्म का, और जो जर्नी पूरी दिखा रखी है, जो स्क्रीन प्ले दिखा रखा है जर्नी में, कमाल, बहुत बढ़िया काम है स्क्रीन प्ले का. परफॉर्मेंसेज की बात करें तो जॉन अब्राहम की जितनी मूवीज मैंने देखी है, चाहे थिएटर्स में चाहे घर में, ये उनकी टॉप नॉच परफॉर्मेंस थी. मेरे अकॉर्डिंग नंबर वन परफॉर्मेंस है जॉन अब्राहम की. बहुत बहुत अच्छे से उन्होंने एसीपी संजय कुमार का रोल प्ले किया है. मृणाल ठाकुर उनका एक्सटेंडेड कैमियो कहा जा सकता है एज संजय कुमार वाइफ, लेकिन उनका काम बहुत अच्छा है. ऑब्वियसली लव सोनिया में उनके बहुत रोल को सराहा गया था, एक्ट्रेस तो वो बहुत फाइन है ही, और यहाँ भी उनकी वो ग्लिम्स देखने को मिलती है. इसके अलावा सभी सपोर्टिंग कास्ट ने बाखूबी अपना काम किया, लेकिन जॉन अब्राहम को सलाम है इस फिल्म के लिए, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है. डायरेक्शन की बात करें तो निखिल आडवाणी की डायरेक्शन बहुत कमाल है फिल्म के अंदर, सारा कमाल ही निखिल आडवाणी का है. कई बहुत सी मूवीज ऐसी होती है जिनके अंदर आप डायरेक्शन पकड़ नहीं पाते, कि आपको लगता है शायद परफॉर्मेंसेज अच्छी है फिल्म की, म्यूजिक ज्यादा अच्छा है या स्टोरी ज्यादा अच्छी है फिल्म की, लेकिन इस फिल्म में आपको पहले ही सीन से पता लग जाता है कि डायरेक्शन ने बहुत कमाल कर रखा है फिल्म के अंदर. म्यूजिक फिल्म का बहुत बढ़िया है, बैकग्राउंड स्कोर जो चलता है आपको जगह जगह पे बूस्ट करता है, जब एनकाउंटर हो रहा होता है या देशभक्ति की भावना दिखानी है, तो बैकग्राउंड स्कोर ने बहुत बहुत अच्छे से सपोर्ट किया है फिल्म को. सो एज माई लास्ट वर्ड, अगर आपको एक्शन थ्रिलर मूवीज पसंद है, देशभक्ति की मूवीज भी आपको पसंद है, तो आप फिल्म को जरूर देखिएगा. और अगर ये जोनर आपका नहीं भी है तब भी आप बाटला हाउस जरूर देख के आइएगा, एक अलग नजरिया आपका पैदा होगा पुलिस को लेकर, और आपको पता लगेगा कि एनकाउंटर की सच्चाई होती क्या है. सो आई एम गिविंग 4 स्टार टू बाटला हाउस. ये थे हमारे बाटला हाउस का लेकर रिव्यू. मिलते हैं अगले किसी वीडियो के साथ, टीजर ट्रेलर रिएक्शन या मूवी रिव्यू के साथ. टिल देन बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग. अगर आपको हमारे रिव्यूज पसंद आए हो बाटला हाउस के, देन गिव इट अ थम्स अप टू आवर वीडियो, एंड ऑब्वियसली सब्सक्राइब आवर चैनल, प्रेस द बेल बटन और शेयर तो कीजिएगा ही. थैंक यू.